है पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं, पेट्रोल इसमें नहीं है। और अभी ना मुझे यहाँ से लग गई यार ये चेकअप करो, थोड़ी सी उंगली में ना लगी, ब्लड निकल रहा है भाई। तो मतलब कि पहले पेट्रोल कर इसमें डलाते हैं एंड देन निकलते हैं एक छोटा सा ब्लॉक के लिए, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अपनी एक दोस्त है उससे भी मिलते हैं, तो साथ लेते हैं चलते हैं भाई ब्लॉक के लिए। तो मिलता है सीधा भाई हाईवे पे। ये पकड़ भी नहीं रहा है इसको, रहा हो गया 200 पैसे हो गए भाई, देख लेना पेमेंट हो गई। ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है, पता नहीं क्या सीन है आज, नाका वक्का नहीं होना चाहिए भाई, नहीं तो दिक्कत आएगी। सुबह कॉल कर लेते हैं पहले, हेलो मैं कहाँ पे हो? आ जाओ मैं इधर ही बाहर हूँ भाई, थोड़ा सा रिटर्न लेना पड़ेगा। क्या हाल है इधर था? चलो कैसा हुआ एग्ज़ाम, सही हुआ ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सही। अंकल ब्रेक मत मार, हाँ फिर तो हो जाएगा पास 110%। क्या चीज़ हो जाएगा। मैंने सोचा नाका है। तो भाई लोग अभी निकलते हैं आगे हाईवे पे एंड फिर मिलते हैं भाई आपको। तो भाई लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, आगे चलते ना लोग वगैरह भी लगाते हैं, आराम हो जाता है भाई। उतर जाओ, मुझे पहले ग्लोव्स लगाने दो उसके बाद ही देखेंगे। मैंने हेलमेट लगाया इसका, वो ओ शिट बहुत दर्द हो रहा है भाई के, इस टाइम तो बहुत ठंडा, मैंने सोचा था इतनी सर्दी नहीं होगी। चलानी है, चलाओ ना, अगर गिर भी गई तो आप चल जाइए, बाइक की कोई टेंशन नहीं है। फिर ये गारंटी थोड़ी है कि गारंटी को छोड़ो, आज करो ट्राई। तो भाई अभी अंजू बाइक राइड करने वाली है, पहुंच पाओगे भी नहीं? पकड़ू मैं? नहीं नहीं कर लूंगी ऊपर, आराम से आराम से, गाड़ी को निकलने तो पहले। ये ना हो गए निकल ना भाई, तेरे चक्कर में लड़की वेट कर रही है। डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बाइक चलाने में डर तो है, ये टूट गई वो उतना नहीं, थोड़ा सा लगता है, वो तो लगेगा ही, ये भारी भी है, पाँव नहीं लग रहे नीचे और ना लगता हो रहा नीचे ये नहीं, इसके मैंने ये टायर ना ये थोड़े हैवी है ना, मतलब ऊंचे तो R15 पे लग जाते हैं, R15 पे आराम से लग जाते हैं। अगर पाँव दोनों पूरे नीचे लगते हो ना फिर मेरे को कोई मसला है, इतना सा पाँव नीचे लगता है इससे मैं इसको क्या करूँगा भाई, निकलना यार, ये दिक्कत हो गई है, तभी रुका हुआ है वो, नहीं रुक रहा। आप आगे कर लो, छोड़ो मैं अकेले जाऊँ, अकेले करो ना, मैं आराम से पीछे चलूँगा। रुक रुक जा रहा, चल जा भाई चल जा। बात ध्यान करना, ब्रेक मार लेना अगर गिरने वाले हो तो, मैं साथ में रहूँगा ठीक है। हाँ पहले में पड़ी हुई है, रुक गाड़ी तो निकलने दो, छोड़ दो। ओ बाइक की कोई दिक्कत नहीं, अपना आप संभाल लेना, आराम से निकलो तो सही, क्लच छोड़ोगे तभी चलेगी ना, थोड़ी सी अरे आपको आती तो है, मैं पकड़ू पीछे से, आप छोड़ो फिर करना, चलो हाँ मेरे को ये है कि इसको मतलब क्लच जब तक क्लच खुद नहीं चलते तब तक नहीं दे रही है स्टीयरिंग, ओ नहीं नहीं नॉर्मल सा दे देना ना, ज़्यादा थोड़ी देना। चलो 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 बस इतना नॉर्मल थोड़ा सा कम कर दो
अंजू क्लच छोड़ेगी तभी चलेगी ना। चलो चलो चल 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 जा, पाँव रख ले, मैं पीछे ही हूँ नॉर्मल। ये हमारे मोटो ब्लॉगर है पूंछ के, फर्स्ट सेकंड गियर, एक्सीलेटर कम रखना ठीक है, मैं साथ साथ में चलूँगा, आराम से जाना। भाई लड़की बाइक तो लेके गई, अब रुक जानी चाहिए बस। बाइक की कोई दिक्कत नहीं है, टूट भी गई बन जाएगी, साथ में बैठ के भी चल जाएगा क्या? हाँ क्या पता होता है, अभी नहीं पता है। पता क्या, जब मैं स्टार्ट करती हूँ तभी मुझे मसला होता है, आगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे तो चल जाती है, चल जाती है भाई, ये तो चल तो जाती है आराम से। तो मुझे बताओ, छोड़ो आप, छोड़ो ओ क्लच छोड़ो, ये इतना क्लच है, देखो और नहीं जाएगी, एक्सीलेटर बंद नहीं है। आप बैठोगे कि मैं चलाऊं? मैं चलाऊंगी ना। चलाओगे? आप थक गए होगे ना इतना वो। ओ आहो, मैं तो थक गया। ये थोड़ी सी अच्छी निकल चलाऊंगी, बैठने वाला हूं और होप के सब हां पाऊं, मैं तो नीचे रखूंगा। अरे भाई बच जाना चाहिए, बस ये सब ये होता है ना मजा। और आप इतना बैठे कैसे हो? चलो लेकिन चलना ध्यान से भाई, मेरे पे नहीं नहीं, आप जैसे निकालोगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको लगे ना थोड़ा सा नीचे उतर रहा है तो ठीक है, अभी जाइए मैं बोल के चला रही हूं। ओके ओके, कैमरे की तरफ ध्यान देना, नहीं कर देना कैमरा नहीं मेरे पास, मैं दिखा रहा हूं साथ में, ठीक है। चल आराम से, अपने अपने साइड से चलना ठीक है। थोड़ा सा और बस, चलो चलो चलो, अब सीधी करना है, दो नंबर आपको पता ही है ना। अब अपनी साइड होना ठीक है, दूसरा डालो। हाँ दूसरा डाल दो, पीछे डालेगा पाँव से नीचे। बंद नहीं हुई क्लच, आप जैसे गियर डालोगे ना आराम से छोड़ना, एक्सीलेटर देने की कोई छूट नहीं है ठीक है। गाड़ी की तरफ मत देखना, अब इसे कम कर दो, डाल दो दूसरे नंबर, तीन नंबर। आराम से नॉर्मल, अब नॉर्मल एक्सीलेटर होगा तब भी चलेगी। आप आगे देखो, आप गाड़ी पे ध्यान दो भाई, डर भी लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मुझे डर तो लग रहा है, जैसे रोकोगे तब क्या होगा। ये थोड़ी पता क्या, बाइक भी थोड़ी मतलब भारी है और इसका जो हैंडल है ना वो भी भारी है, ये ख़राब होगा, इसका चेन सेट भी ख़राब है। तो भाई लोग अभी अपना राइड कर रही है, मतलब इसको चलानी आती है बाइक, बाइक का थोड़ा सा कुछ होता है, ये कोई बाइक हैवी होती है भारी होती है और कोई दिक्कत आती है बाकी तो एक करो। ये हमारे पूंछ की फर्स्ट मोटो व्लॉगर है घर, तो अभी मतलब के कुछ एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म होते हैं तो उसके बाद ये आंटी लोग ब्लॉगिंग करके है। अंजू रुकना है, जहाँ पे रुकना हुआ आराम से मतलब गाड़ी स्लो करके क्लच दबा देना, क्लच को दबा दो पूरा, हाँ क्लच दबा दो, एक्सीलेटर छोड़ दो बिल्कुल, साइड कर लो अपनी साइड, आराम से ब्रेक मारा कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये देखो ईजी है। बच गए भाई, आज तो बाल बच गए, यहाँ तक पहुँच गए, मतलब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चला लिया भाई एकदम ओके, मतलब आपको जिंदा में ले आई हूँ यहाँ तक, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बस यही तो सबसे बड़ी बात होती है, चलानी आप आगे कि नहीं, बस नहीं यहाँ से आते हैं। हाँ यहीं पर कर दो बंद, पाँव ही नहीं लग रहे तेरे नीचे अंजू, मेरा हाथ थोड़ा सा दर्द कर रहा है, मतलब अंजू आराम से इसको चला देती है भाई, थोड़ी सी है ना इसके पाँव ही नीचे लगते हैं, मेरे भी नहीं लगते भाई किसी से। तो भाई लोग अभी ना पहले चलते हैं
मंजू को घर ड्रॉप करेंगे क्या वो, तो ये वाली लोकेशन देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आज ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, आई डोंट नो भाई क्या सीन था, बट जल्दी से जल्दी तो मतलब मंजू को घर ड्रॉप करता है और उसके बाद ही आपसे मिलते हैं। बहुत ठंड है यार। मैं सोच रहा था थोड़ी सर्दी है, मैं इसलिए एक लगा के आया जिपर। हेलमेट लगाना है वहाँ तक अब मुझे क्या छोड़ो, ये बाइक थोड़ी मतलब हाइट की छोटी क्यों नहीं होती, इतनी ऊंची किस लिए बनाते हैं इनको? ना ना ये ठीक थी, इसके ये जो टायर डले ना ये थोड़े हैवी है तो इसमें थोड़ी सी ये ऊपर हो गई है, बाकी थोड़ी कम हो ना, मतलब हाइट सिर्फ यामा वालों ने हाइट दी है इसकी छोटी, बस ये कर लेंगे यार बाद में। कौन सी वो बड़ी है, लेकिन उसकी जो ये सीट है ना ये नॉर्मल है, क्योंकि उसके बाद बंदा बैठता है जब तो आराम से पूरे पांव नीचे लग जाते हैं इस ना, वेट नहीं है वो बिल्कुल लाइट है यहाँ से। ओके सो गाइस मेरे घर जाने का टाइम आ गया। कौन है ये? कौन है जी? आंटी, मेरे घर जाने का टाइम आ गया। यही वाला रास्ता ना, मुझे पता था यही वाला है। चलूं? आओ चलते हैं फिर कभी। हाँ सही में आओ चलते हैं। नहीं फिर कभी, अभी थोड़ा काम है मुझे वो करना है, फिर कभी जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है फिर कभी खाएंगे आराम से। सो फाइनली भाई लोग अभी हमने अंजू को ना उसके घर ड्रॉप करके अभी मैं जा रहा हूँ वापस, मुझे ना एक काम है बहुत ही अर्जेंट। सो उस साइड धूप लग रही है, इस साइड इतनी ज़्यादा ठंड है भाई मैं क्या ही बोलूँ। मेरी ना इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, मतलब मैंने एक ये जिपर लगाई हुई है ना तो अंदर एक टी शर्ट है, तो उस वजह से ना मुझे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। ये पूरा क्रॉस करके ना यहाँ पे आ चुका हूँ, सो यहाँ पे रखी अपनी बीस्ट। पर एक दिक्कत आ रही है यार इसमें, थोड़ा चढ़ाई चढ़ने में ना वो मतलब चेन सेट पूरा ख़राब हो गया ना, तो भाई वही दिक्कत आ रही है, आवाज़ करता भाई बहुत गंदे सा। तो अभी सच में ना भाई भिखारियों वाली हालत हो चुकी है भाई, जो इसकी ये मतलब टूटा हुआ है। अभी मैंने नेक्स्ट मंथ ना इसकी पूरी सर्विस वगैरह करवानी है। ओके सो भाई लोग अभी यहाँ पे इतनी हाइट पे मैं पहुँच चुका हूँ, सामने चेकआउट कर सकते हो जो भाई भी ये पहाड़ दिख रहे ना, ये पीर गली वाले पहाड़ हैं। तो मैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे आया हुआ था, सो यहाँ पे भी चेकआउट करो भाई, यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं है और अपनी माफिया बीस्ट लगी हुई है यहाँ पे। सो इसकी बहुत कंडीशन ख़राब है ना, जो मैं इसको वॉश वगैरह भी करवाना है, टाइम नहीं मिलता भाई कि वॉश कराऊँ। इसके नंबर प्लेट ना रीअप्लाई हो जाएंगे एक दो दिन में, तो मतलब उसके लिए मिसिंग रिपोर्ट लगती है भाई, तो जो मेन चीज़ है वो भी करवाएंगे। सो फाइनली भाई लोग अभी मैं पहुंच चुका हूं एसके ब्रिज पे, जैसे कि सामने देख सकते हो मेरी लगी है यहां पे बाइक। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी भाई, यहां पे रुक के ना थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। सो अभी यहां से मैं निकलूंगा घर के लिए। सो यहां पे नीचे चेकआउट कर सकते हो भाई, जब ये भाई गिरा था ना मतलब फ्लड की वजह से ये गिरा था, तो तब ये बना था 2014 में बना था शायद, तो उसके बाद ये निकाला ही नहीं है। सो होप कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट मस्त वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सम गाइस।